इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर की अहम खबरें। कोरोना आलमी वबा का खतरा अब भी टला नहीं है, लिहाजा पिछले दो दिन से जिला बेलगाम में कोरोना मुतासरीन की तादाद 108 ही रही। इजाफा न होने से एक तरह का इत्मीनान कह सकते हैं। अब तक तकरीबन 6,520 टेस्ट नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव बनने के बाद अब तक 55 लोगों को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। बेलगाम शहर में जिला के स्वैब टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे दो दिन में ही नतीजे हासिल हो रहे हैं। तकरीबन 180 लोगों का स्वैब टेस्ट हर रोज किया जा रहा है। आज तकरीबन 100 लोगों के नतीजे आने थे, जिसमें 11 नेगेटिव आए हैं और बाकी नतीजे नहीं आए हैं। तकरीबन 8,134 की सेहत पर नजर रखी हुई है, तो 260 लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा हुआ है। 60 लोगों को सिविल अस्पताल में जेर निगरानी रखा हुआ है। हीरे बागेवाड़ी में ही ज्यादातर मरीजों को पाए जाने से मेडिकल जांच की रफ्तार को भी तेज किया गया है। सभी घरों की जांच जारी है। पिछले दो दिन से सदाशिवनगर इलाके में भी खबरदारी ली जा रही है, यहाँ पर भी मेडिकल जांच जारी है। हासिल इत्तला के मुताबिक जिस खातून में पॉजिटिव पाया गया, इसके रबते में तकरीबन 45 अफराद आने की बात कही जाए, जिन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसमें 10 लोग सीधे कॉन्टैक्ट में होने की बात कही जा रही है। बम्बई से बेलगाम ई पास के बगैर दाखिल होने पर शोहर ड्राइवर पर भी मुकदमा दायर किया हुआ है। सदाशिवनगर इलाके के कुछ हिस्से में पाबंदियां आयद की हुई है। वही तीन इलाके, खासकर अमन नगर, आसमा कॉलोनी, कैंप, जहां पर पॉजिटिव पाए जाने के बाद पाबंदियां लगा दी गई थी, इलाकों को आजाद कर दिया गया। तीन मोहल्लों की पाबंदियां हटने से अब सिर्फ दो ही इलाके कैंटोनमेंट रह गए हैं, आजाद गली और सदाशिवनगर। दो ही इलाकों में पाबंदियां हैं। बेलगाम शहर के तकरीबन हिस्सों में कारोबार जारी। कोरोना वबा ने तमाम कारोबार, फैक्ट्रियां, दफ्तर, सरकारी महकमा सभी को ठप कर दिया था, पर लॉकडाउन 4 तो जारी है कई सारी रियायतों के साथ। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के स्कूल कब शुरू होंगे। कोरोना आलमी वबा का असर तवील अरसे तक रह सकता है, ऐसा माहिरीन का कहना है। WHO ने भी कहा है कि बीमारी जल्द नहीं जाएगी और इसकी दवा आने में अभी भी 2 साल का अरसा लग सकता है। रियासत कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करते हुए स्कूलों को जारी किया जाए। साल 2020-21 के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को दो हिस्सों में शुरू करने का फैसला लिया गया, यानी कि सुबह 7:50 से दोपहर 12:20 तक और दोपहर 12:10 से शाम 5 बजे। इस तरह से दो हिस्सों में स्कूलों को शुरू किया जाएगा, पर कब से यह अभी तक बताया नहीं गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग 5 मई को तरफ फरमाई गई थी, जिसमें अहम फैसले लिए गए। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर को सख्ती से इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी गई थी। यह भी इत्तला हासिल हुई है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से क्रिसमस के 10 दिन दशहरे के 21 दिन की भी छुट्टी रद्द कर शनिचर के दिन भी मुकम्मल दिन स्कूल चलाई जाएगी, पर इस पर अभी तक सरकारी ऐलान नहीं हुआ है, पर हुकूमत इस पर गौर फिक्र कर रही है। हेस्कॉम ने कहा, हमने बिल नहीं बढ़ाया है। शहर के तकरीबन इलाकों में यह बात गश्त कर रही है कि हेस्कॉम ने बिजली का बिल बढ़ा चढ़ा कर दिया है। कई जगहों पर 3 गुना बढ़ाने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। वैसे भी 2 महीने का बिल एक साथ देखने के बाद कईयों की आंखें सफेद हो चुकी हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से कमाई कुछ नहीं और इसमें बिजली का बिल बिजली के झटके से कम नहीं था और बिल की रकम बढ़ा कर देने का शोर मचाया जा रहा है। पर जब हमने हेस्कॉम से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि बेवजह गलतफहमी न करें, हेस्कॉम की जानिब से कोई भी ज्यादा रकम नहीं ली जा रही है। पहले तो किस महीने का है और कितने महीने का बिल है चेक करें। कुछ लोगों को फरवरी मार्च महीने का बिल न भरने की वजह से 3 महीने का बिल एक साथ दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले का मीटर रीडिंग और अब का मीटर रीडिंग का फर्क भी दर्ज किया हुआ है। 2 किलोवाट के लिए 30 यूनिट तक का रेट, ऐसा कुल मिलाकर 2 महीने का 60 यूनिट किया गया है। इस हिसाब से ही चार्ज लिया गया है, लिहाजा किसी तरह की ज्यादती नहीं की गई है, ऐसा हेस्कॉम की जानिब से कहा गया। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 महीने से बंद अदालतों को फिर से बंद करने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ मखसूस अहम मुकदमों की कार्रवाई ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। अब फिर से एक बार 6 जून तक बेलगाम शहर और दिगर अदालतों को बंद रखने का फैसला हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए नोटिफिकेशन में दर्ज किया गया। यह फैसला है, पूरा मुल्क
कोरोना महामारी की वजह से ठप है, दफ्तर अदालतों को भी बंद करने का फैसला दिया गया था और इसी के मद्देनजर पिछले 1.5 महीने से अदालतों को बंद किया गया था। एक बार फिर 6 जून तक अदालतों की कार्रवाई को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ मखसूस मुकदमों की सुनवाई जारी रहेगी। रियासत कर्नाटक ने एक और अहम फैसला यह भी लिया है कि शादी इजलास को इजाजत तो दी जाएगी पर इसके लिए मुकर्रर तादाद 50 लोगों की होगी। खासकर बुजुर्ग बच्चों और हामिला खवातीन को इसमें शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने भी लोग शरीक होंगे सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना जरूरी होगा। शादी इजलास में शरीक होने के लिए पास की भी जरूरत होगी। दूसरे गांव से आने वाले को DC की इजाजत लेनी होगी। शादी की दावत किसे देना इस पर भी पाबंदियां होंगी। ऐसे शख्स को दावत में न बुलाया जिसका घर कैंटोनमेंट जोन में है। शादी इजलास के दरवाजों पर सैनिटाइजर रखना लाजिम होगा। थर्मल स्कैनिंग भी होगी। खांसी बुखार वालों को दावत में न बुलाया और शादी हॉल में दाखिल होने न दे। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगा। सिगरेट गुटखा खाने वालों को दाखिल न किया जाए। सभी के नामों की फहरिस्त हुकूमत को दी जाए ऐसा भी कहा गया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।